हुए मिस्टर कौशल खक्कड़ जी को इनवाइट करना चाहते हैं, जो कि एक फोर्थ पोटेंशियल पे प्रकाश डालेंगे। कौशल खक्कड़ जी के बारे में बताऊं तो वो केबी एक्सपोर्ट के सीईओ हैं और जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एयर एक्सपोर्टर है फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स का। कौशल जी ने सीए और एमबीए कर रखा है, इसके पहले उन्होंने पीडब्ल्यूसी और यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियों में काम भी कर रखा है। उसके बाद उन्होंने फैमिली बिजनेस में एंटर किया और 20 साल में केबी एक्सपोर्ट को काफी अच्छे पोजीशन पे लेके आए हैं। कौशल जी ने केबी एक्सपोर्ट को के बिजनेस मॉडल को भी काफी मतलब कि चेंज किया अपने हिसाब से और नई ऊंचाइयों पे केबी एक्सपोर्ट को लेके जा चुके हैं। आज के डेट में केबी एक्सपोर्ट के खुद के फार्मिंग ऑपरेशन है, उनके कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, सेल्फ मैन्युफैक्चर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है। तो लेट अस वेलकम मिस्टर कौशिक खक्कर जी टू गिव अस वैल्यूएबल इनसाइट्स। वेलकम सर। थैंक यू एवरीवन। क्या मैं इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ या हिंदी में ही बोलना जरूरी है? इट्स ओके, अगर आप मिक्स में प्रेजेंट करें तो चलिए बेटर रहेगी मैं हमारी। और कोशिश करता हूँ। हिंदी तो अच्छा बोल लेता हूँ बट प्रेजेंटेशन काफी बार इंग्लिश में ही होता है तो थोड़ा वो डायरेक्शन में ऑटोमेटिक लैंग्वेज चला जाता है। बट थैंक यू एवरीवन कि ये मौका मिला मुझे आपके सामने मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए। तो मैं कुछ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाया है जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। राइट, सो थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा अबाउट द एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बोथ फ्रेश फ्रूट्स एंड पोमोग्रेनेट एरिल्स। सो हमारे कंपनी का जो बैकग्राउंड है, अराउंड 10,000 टन का एक्सपोर्ट हम करते हैं, मेनली एयर फ्रेट। 200 करोड़ प्लस रेवेन्यू है और ये फैमिली बिजनेस है एंड हमारा पूरा इंटीग्रेटेड काम है। इंटीग्रेटेड इसलिए क्योंकि फार्मिंग से लेके एंड कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन तक हम लोग इन्वॉल्व है। तो हमारा खुद का एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग है, खुद का व्हीकल्स है, खुद का फार्मिंग ऑपरेशंस भी है। अभी हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी बना रहे हैं और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में हमारी कंपनी का नाम है केबी बायो ऑर्गेनिक्स, जिसमें हम लोग फंगो रेज करके एक प्रोडक्ट बना रहे स्पेसिफिकली फॉर पोमेग्रेनेट्स, जो एंटी फंगल प्रोडक्ट है और इवन बैक्टोरेस फॉर बैक्टीरियल ब्लाइट। तो ये प्रोडक्ट्स काफी पोमेग्रेनेट फार्मर्स के लिए यूजफुल है। सो स्पीकिंग ऑफ फ्रेश पोमेग्रेनेट, ये हमारा सीजनल कैलेंडर बनता है इंडिया का। काफी बार ये आगे पीछे होता है वेदर के हिसाब से, बट अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारा जो डीप कलर मिलता है हमको विंटर मंथ्स में मिलता है, जो डार्क रेड कलर है, और समर मंथ्स में हमारा कलर थोड़ा लाइट हो जाता है, जिसमें हम फिर सिर्फ एयर फ्रेट से प्रोडक्ट भेज पाते हैं। बट अगर जो डार्क रेड कलर है उसमें प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ भी ज्यादा मिलता है, इसलिए हम लोग उसको सी और एयर फ्रेट दोनों के लिए प्रोडक्ट ऑफर कर पाते हैं। सो करंटली जो हमारा कॉम्पिटिशन है ग्लोबली वो है विथ कंट्रीज लाइक इजराइल, स्पेन, टर्की, इजिप्ट, यूएस और अभी तो चाइना भी आ गया है। तो ये सब कंट्रीज के हर अलग अलग कंट्री में मार्केट एक्सेस अलग अलग होते हैं, तो वो हिसाब से हमको कम्पीट अलग अलग करना पड़ता है। जैसे पहले थाईलैंड है तो उसमें सिर्फ हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल था, अभी उनका चाइना एक्सेस मिल गया है, तो जब चाइना खत्म होता है तो ही हमको चांस मिलता है। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस काफी आ रहे हैं और कॉम्पिटिशन जैसे जैसे बढ़ रहा है हमको भी इनोवेट करना चाहिए। और सबसे बड़ा हमारा वीकनेस है कि हमारा साइज इतना बड़ा नहीं है, बट सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेंथ है कि हमारा जो विजुअल अपील है और जो हमारा ईटिंग क्वालिटी है वो सबसे सुपीरियर है। तो हमको स्ट्रेंथ को एज अ वीकनेस ना हाईलाइट करते हुए, हमारे हमारे जो वीकनेसेस हाईलाइट ना करते हुए साइज का, जो स्ट्रेंथ है हमारे उसी को हमको ज्यादा हाईलाइट करना है। उसके सामने हम मार्केटिंग कैंपेन्स भी करते हैं टू शो कि दिस इज द बेस्ट ईटिंग फ्रूट इन द वर्ल्ड। सो दीज आर सम ऑफ द अदर पैकिंग फॉर्मेट्स। एक जो ऊपर आप देख रहे हैं वो टेलीस्कोपिक बॉक्स है फॉर एयर फ्रेट। उसके नीचे जो आपने पिक्चर देखा वो हमारा फर्स्ट एयर फ्रेट प्रोडक्ट था फॉर यूएस, जो हमने अभी इराडिएट करके भेजा है। अगर और पिक्चर्स मैं शेयर करता हूँ तो ये जो आप प्लास्टिक बैग देखते हैं, दिस इज एन एमएपी बैग। ये बहुत जरूरी है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस शिपिंग क्योंकि इससे हमारा शेल्फ लाइफ बढ़ता है। तो टिपिकली अगर हम देखते हैं कि 45-50 डेज फ्रॉम शिपिंग है इन अ कोल्ड स्टोर, तो हमारा ये बढ़ के 90-120 डेज तक चला जाता है अगर ये शेल्फ लाइफ एक्सटेंडिंग एमएपी बैग अगर हम यूज करते हैं तो। सो पोमोग्रेनेट के बारे में मेन तो मेरा उतना ही कहना था, इट्स अ वेरी वेल एस्टेब्लिश मार्केट, बट थोड़ा एरिल्स के बारे में ज्यादा बताना था बिकॉज जो वैल्यू एडेड इज अवर थीम फॉर टुडे, तो आई विल स्पीक अ बिट मोर ऑन दैट। तो डॉक्टर नीलेश ने तो बहुत ही बढ़िया स्लाइड्स एक्सप्लेन किए हैं कि क्या प्रोस्पेक्ट्स है,
तो जस्ट मैं थोड़ा मोर कमर्शियल एंगल बताता हूँ उनके बारे में कि ऑब्वियसली हमारा राउंड ईयर अवेलेबिलिटी इज अवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और इसमें जो टेम्परेचर हम लोग शिपिंग करते हैं वो 0 to 4 degrees ही हम लोग मेंटेन करते हैं, और उसके लिए हमको थर्मोकॉल बॉक्स विद आइस पैक दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, और एक मिनिमम रिस्क लेवल अचीव करना बहुत जरूरी है. तो ये जो कलर्स हमारे हैं एरियल्स के, वो कोई भी कस्टमर लेवल 4 के नीचे नहीं जाएगा. लेवल 4 इज द मिनिमम कलर स्पेक, और उनको काफी सारे अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाना है तो BRC सर्टिफिकेशन इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग. फार्म्स ग्लोबल गैप होने जरूरी है, और अभी एथिकल प्रैक्टिस सोशल स्टैंडर्ड जो है उसमें ग्रास फॉर मेटा ऐसे भी एक्सपेक्टेशंस लोगों से रहते हैं. सो हम जो अभी फॉर्मेट्स पैक कर रहे हैं वो रेडी टू ईट में है, ये कप्स और पनेट्स में कर रहे हैं, और उसमें फिर कप्स और पनेट्स में फिर आइस पैक्स भी डालने चाहिए. तो ये अलग अलग साइजेस में एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम लोग सेटअप कर सकते हैं. एंड देन फाइनली माई स्लाइड इज ऑन बल्क पैक्स. तो ये जो बल्क पैक्स है ये अगेन फॉर जूसिंग या फॉर रीपैकिंग और एट द कस्टमर एंड. तो ये फॉर्मेट के लिए फिर वो लोग बल्क पैक्स मंगाते हैं, और इंडिया का जो एयर फ्रेट है वो डिपेंडिंग ऑन अलग अलग कंट्री या तो बहुत एक्सपेंसिव या बहुत इकोनॉमिकल है. तो कुछ कंट्रीज प्रिफर करते हैं कि वो रेडी टू ईट कप्स में मंगाए, और कुछ कंट्रीज एक्सपेक्ट करते हैं कि दे ब्रिंग इट इन बल्क पैक्स एंड दे आस्क अस टू शिप. तो जैसे डॉक्टर नीलेश ने बताया कि जो एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स है हमारे वो सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे को एरियल्स में ज्यादा लगते हैं मोर देन होल फ्रूट. और होल फ्रूट में तो एग्रोनॉमी के ऊपर क्वालिटी प्लस माइनस होता रहता है, बट इंटरनल क्वालिटी हम लोग जनरली मेंटेन करते हैं. तो वेदर को भी हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं इम्पैक्ट फॉर एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स, और ऑन अ स्मॉल स्केल बेसिस भी ये बिजनेस शुरू हो सकता है. सो दिस वुड बी अ वेरी गुड बिजनेस प्रोस्पेक्ट फॉर आर फार्मर्स एंड फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, की वो लोग ऐसे टाइप का प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा परस्यू कर सकते हैं. जनरली सी कंटेनर्स में पोमोग्रेनेट करते वक्त आप जब होल फ्रूट करते हो तो काफी रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, इन द सेंस कि आप एक ट्रांजेक्शन में जनरली प्रॉफिट नहीं कर पाते. बट एरियल्स का ऐसा नहीं है. एरियल्स में आप अगर एक इंटेलिजेंटली काम करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो मार्केट में देर आर कस्टमर्स हु विल रिवॉर्ड वेरी वेल फॉर दिस. और जनरली ये ट्रांजेक्शन वैल्यू भी छोटे होते हैं तो स्मॉल स्केल पे स्टार्ट हो सकता है. सो एक इंटरेस्टिंग बात है कि US में जो अपने खुद के एरियल्स बनते हैं कैलिफोर्नियन प्रोडक्शन के, उनके कंपैरिजन में भी हमारा इकोनॉमिकल बनता है, क्योंकि उनके जो एरियल्स बनते हैं वो मशीन से इन अ वेरी हाई केयर एनवायरनमेंट बनते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस भी उतने ही ज्यादा है, जबकि हमारा लेबर कॉस्ट इज सो इकोनॉमिकल. ये हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो दिस इज वेयर वी फील कि द प्रोस्पेक्ट्स आर मच स्ट्रॉन्गर फॉर इंडियन एरियल्स इन इवन डेवलप कंट्रीज. लेकिन एक रिस्क फैक्टर भी आजकल बढ़ रहा है. देर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज विच आर सेइंग कि हमको एयर फ्रेट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए एयर फ्रेट, क्योंकि वो एयर फ्रेट को एनवायरमेंटली डैमेजिंग समझते हैं. तो इसके लिए दे आर मूविंग टूवर्ड्स सी फ्रेट ऑफ होल फ्रूट, और फिर वो को उनका मशीन डाल के वह कंट्री में वो लोग फिर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं. तो हमने काफी सारे कस्टमर्स देखे जो पहले हमसे एरियल्स ले रहे थे, बट अभी हमको बोल रहे हैं कि आप हमको सिर्फ होल फ्रूट भेजिए क्लास 2, और उसको हम खुद एक्सट्रैक्ट करेंगे मशीन के साथ. सो जैसे जैसे कंज्यूमर के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं वैसे बिजनेस में रिस्क भी कुछ आगे आ रहा है, एंड वी नीड टू अडेप्ट. तो या तो इंडिया को कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि मशीन वहां पे करे, या अगर कुछ कस्टमर्स ने किया है तो फिर हमारा बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स एरियल से शिफ्ट होके फिर क्लास 2 फ्रूट पे ज्यादा आ सकता है. सो दीज आर अ वेरी शॉर्ट समरी फ्रॉम माई साइड ऑन एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बोथ होल फ्रूट एंड पोमेग्रेनेट एरियल. थैंक यू सो मच सर, आपने काफी अच्छे से चीजों पे प्रकाश डाला, और यू आर एन इंस्पिरेशन एज वेल फॉर द पीपल ओवर हियर.